नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपके अंदर। लाइव नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुटी भाजपा की तैयारियों को धार देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अगस्त में हरियाणा का कर सकते हैं दौरा। हरियाणा भाजपा ने पीएम मोदी से मांगा है समय। पीएम से हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने की है भाजपा की योजना। अपने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत के बाद हरियाणा के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति अशोक कुमार ने की घोषणा कि स्टार शूटर मनु भाकर को संस्था का बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर। बता दें कि भारत की निशानेबाजी की दिग्गज मनु भाकर ने मंगलवार को रच दिया इतिहास, जब वह एक ही ओलंपिक में दूसरा पदक जीतने वाली बन गई पहली भारतीय महिला एथलीट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को पहुंचे सिरसा। मुख्यमंत्री पहले पहुंचे एयरफोर्स स्टेशन, वहां से वाहन के माध्यम से सीधा पहुंचे तारा बाबा कुटिया। यहां पर तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवादार भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने किया उनका स्वागत। इसके बाद सीएम ने तारा बाबा कुटिया में विशेष पूजा में लिया भाग। भाजपा ज्वाइन कर चुकी कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के खिलाफ उन्हीं की पार्टी की ओर से विधानसभा स्पीकर को फिर से दी गई है पिटीशन। इस पिटीशन में कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की गई है मांग। इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से इस बाबत डाली जा चुकी है एक याचिका, लेकिन स्पीकर ने तकनीकी कमियों के आधार पर कर दिया था खारिज। गुरुग्राम में मंगलवार बुधवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मार दी टक्कर। हादसे में कांवड़िए की हो गई मौत, जबकि दो गंभीर रूप से हो गए घायल। रामपुर फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। हादसे के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने दिल्ली जयपुर हाईवे कर दिया जाम। हिमाचल प्रदेश में फरवरी में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग केस की हरियाणा तक आ गई है जांच। गुरुग्राम जांच के लिए पहुंची थी हिमाचल की पुलिस। यहां पर उसने सेक्टर 102 शोभा सोसाइटी स्थित एयरलाइंस कंपनी में चलाया तलाशी अभियान, लेकिन गुरुग्राम पुलिस से उसे जांच में नहीं मिला सहयोग, जिसके बाद वह लौट गई वापस। फरीदाबाद जिले में डायल 112 में तैनात एसपीओ के अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर। हादसे में पुलिसकर्मी को गंभीर रूप से हो गया घायल। कन्हैया के नाम से हुई है घायल पुलिसकर्मी की पहचान। पुलिसकर्मी को प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली के अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। हादसे में पुलिसकर्मी के बाएं पैर में फ्रीमर फ्रैक्चर के अलावा हुआ है एक और फ्रैक्चर। हरियाणा में साल 2006 के बाद पक्के होने वाले कच्चे कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत होंगे पेंशन के हकदार। सरकार को उनकी पक्की सेवा होने से पहले की सेवा को भी जोड़ना होगा पक्के में। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया है यह फैसला। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला सिरसा की डबवाली सीट से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। इन दिनों डबवाली हलके में काफी सक्रिय, लोगों के बांट रहे हैं सुख दुख। दिग्विजय चौटाला ने दिया बयान कि वे डबवाली में सिद्धू मूसेवाला की स्थापित करेंगे प्रतिमा। हरियाणा में जून के बाद मानसून का दूसरा महीना जुलाई भी रहा सूखा। 30 जुलाई तक पूरे हरियाणा में मात्र 87 mm दर्ज की गई है बारिश, जो 7 साल में जुलाई महीने की सबसे कम दर्ज की गई है बारिश। बारिश का पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसल पर मंडराने लगा है पीलेपन का खतरा। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनलाइव।